मेरा नाम रिजवान खान है। हम लोगों की एनजीओ है ग्लोबल वेलफेयर कमेटी, इसके थ्रू हम लोग फिलहाल लोगों को खाना बांट रहे हैं। हमारी एनजीओ है नागदेव स्टेट। लोगों को ये जो लॉकडाउन हुआ है इसकी वजह से लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। गरीब जो हैं, जो पुअर्स हैं, जो रोड पे सोते हैं, डेली वेकर्स हैं। और ये हमारा एरिया ऐसा है कि नागदेव स्ट्रीट, सारंग स्ट्रीट, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, मंगलदास मार्केट, मुसाफिर खाना, यहाँ पे पूरे कमर्शियल एरिया है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग डेली खाने कमाने वाले हमाल टाइप लोग रहते थे, जिनको आज के डेट में खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने उसके खाने पीने का इंतज़ाम करने का सिलसिला चालू किया है। हम लोग यहाँ पर डेली सुबह और शाम मिला के 2 से 2500 लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉकडाउन में जब जनता कर्फ्यू पहले दिन लगा था, तभी हम लोग, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे घर पर आया, वो जा रहा था लखनऊ, यूपी का है। तो उसके पास पैसे भी थे, 50,000 रुपये उसके जेब में पड़े हुए थे, मगर वो मेरे घर पर आया और उसने बताया कि भाई देखो यार, आज ऐसा टाइम है जनता कर्फ्यू, मेरे को ना चाय मिल रहा है ना नाश्ता मिल रहा है, मुझे बहुत तकलीफ, भूख लगी मगर मेरे पास पैसा होते हुए भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे वो चीज़ बहुत स्ट्राइक हुई कि यार ये तो पैसे वाला है, जब इसका ये हाल है कि इसके पास पैसे होने के बावजूद भी ये कुछ नहीं खा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो बेचारे जो गरीब है, जिनके पास पैसे भी नहीं है, जो होटलें भी बंद है, सब चीज़ बंद है, तो उनका क्या हाल होगा जो डेली खाने कमाने वाले। इसके लिए हमको ये मेरे दिल में आया कि हम लोगों को ये करना चाहिए। हम लोग ने स्टार्टिंग 200 लोगों से किया था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज ये एक हफ्ते से हम लोग कर रहे हैं, 7 दिन से लगातार। इसको हम लोगों ने 2 से 2500 तक लेके गया। इंशाल्लाह हम लोग की कोशिश है कि और आगे तक लेके जाएं। जैसे जैसे हमारे पास फंड्स आएंगे, लोग फंड्स देंगे, ये हम अपनी ज़ात से नहीं कर रहे हैं, लोग हमारी मदद कर रहे हैं, काफ़ी लोग मदद कर रहे हैं। हमारी अपील है कि और लोग भी हमसे मदद जुड़े, हमारी मदद करें, तो ये धीरे धीरे हम लोग इसको बढ़ाएंगे। हमारा एरिया है नागदेव स्ट्रीट, मंगलदास मार्केट, क्राफर्ड मार्केट, मुसाफिर खाना, सारंग स्ट्रीट, लोहार चाल और जवेरी बाज़ार, ये पूरा एरिया है। प्लस हम लोग मीटी भी जाते हैं और अपना दाना बंदर भी जाता है हमारा खाना, कोलीवाड़ा भी जाता है हमारा खाना, और फिर अपना चन्नी रोड पे बेचारे जो सलम्स वाले हैं, जो रोड पर हैं, उनको भी जाता है। और ये एक चीज़ खास इसमें दिखाई देखी जाती है कि हिंदू मुस्लिम हम कोई नहीं देखते, हर कम्युनिटी का सामने वाला खाना लेने वाला इंसान होना चाहिए। बस हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं और हर लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं।